झारखंड की बड़ी खबर, बोकारो में वज्रपात का कहर। बिजली गिरने से 30 बच्चे झुलसे। बोकारो जिले में शनिवार को आसमानी कहर देखने को मिला है। यहां के जैना मोड़ पर स्थित मध्य विद्यालय बांधडी पर दोपहर शनिवार बिजली गिर गई। स्कूल के बरामदे में वज्रपात की चपेट में आकर 30 छात्र झुलस गए। झुलसे बच्चों को रेफरल हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ से गंभीर अवस्था में झुलसी 4वीं क्लास की छात्रा को बोकारो जनरल अस्पताल रेफर कर दिया गया। स्कूल के प्रधानाध्यापक शशि महतो ने बताया कि दोपहर करीब 12:30 बजे हल्की बारिश हो रही थी। इसी बीच बरामदे की कक्षा में 1 और 2 की क्लास चल रही थी, तभी बरामदे में बिजली गिर गई। वहां पढ़ रहे बच्चे हादसे की चपेट में आ गए। इसी के साथ डर से चीख पुकार मच गई। आनंद फानन में बच्चों को लोग जैना मोड़ सदर अस्पताल ले गए। प्रधानाध्यापक शशिभूषण महतो ने बताया कि इस घटना में करीब 30 बच्चे झुलसे हैं। इधर बोकारो की जिला शिक्षा अधीक्षक रेणुका तिग्गा ने बताया कि एक बच्चा है जो बोल नहीं पा रहा है, जिसे उपचार के लिए भेजा गया है। अन्य बच्चे ठीक हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया है। उन्होंने बताया कि स्कूल में बड़े बड़े यूकेलिप्टस का पेड़ है। स्कूल में बच्चों के बैठने के लिए लोहे की बेंच और डेस्क के इंतजाम है। उन्होंने आशंका जताया है कि इसी दौरान में बच्चे को झटका लगा होगा। हालांकि पूरे मामले की जानकारी लेने के बाद ही कुछ स्पष्ट कहा जा सकता है। वहीं विद्यालय में बिजली गिरने और बच्चों के झुलसने की जानकारी मिलते ही अभिभावक उमड़ पड़े। वहां अफरा तफरी मच गई। रोते बिलखते परिवार वालों के कारण वहां कोहराम सा माहौल था। अपने सपनों को करें साकार, द प्रयास इंडिया के साथ यूपीएससी की तैयारी को बनाएं आसान। अब आपके शहर रांची में हरिओम टावर में खुला विश्वसनीय आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट द प्रयास इंडिया। 2021 में हुए 41 लोगों का चयन। आप भी बने प्रशासनिक देश सेवा का हिस्सा। कॉल करें 9334790857।